घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम से ज्यादातर लोग परेशान होते हैं। मेनली 35 टू 40 ईयर्स के लोगों को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और जिससे घुटनों में काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है, कट कट की आवाज़ें आती हैं, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। ये सारे सिम्टम्स लोगों को परेशान करने लगते हैं। वेल दोस्तों, आज हम इस वीडियो में घुटनों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम के बारे में ही बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं NBT लाइव और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम। आमतौर पर घुटने में दर्द तब होता है जब कैल्शियम घटने लगता है, यानी कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। साथ ही कुछ लोगों को अर्थराइटिस के सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप बुढ़ापे तक अपने घुटनों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। ऐसे ही 5 आसान तरीके हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिन्हें डेली लाइफ में अपनाना बेहद ही आसान है और ये घुटनों की सेहत के लिए काफ़ी इफेक्टिव तरीके से काम भी करते हैं। तो चलिए, पहला आपको करना है, वज़न पर आपको गौर फरमाना है। बॉडी पर बढ़ता हुआ फैट बढ़ती उम्र में घुटनों में खराबी ला सकता है। जिन लोगों का वज़न अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होता है, उन लोगों के घुटनों पर ये असर करता है। ऐसे लोग चाहे तो सिर्फ 10 से 15 किलो वज़न कम कर अपने घुटनों की सेहत को मजबूत कर सकते हैं और उसमें काफ़ी सुधार ला सकते हैं। वहीं दूसरी बात पर अगर आपको गौर फरमाना है तो वो है आपके जूते और स्लीपर्स। जी हाँ, घुटनों की सेहत का अगर आपको ध्यान रखना है तो आपके पैरों में दर्द, खिंचाव और तनाव की जो वजह बनती है वो होती है आपके हील वाले जूते या चप्पल को सही तरीके से ना पहनना। हर समय हील पहनने पर आपकी कमर, कंधे और पिंडलियों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। हम आपको हील पहनने से मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हील आप सिर्फ उन दिनों या उस टाइम पहने जब आपको खड़े होने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अपने शू कलेक्शन में आप स्पोर्ट्स शूज ज़रूर रखें, स्नीकर्स को ज़रूर शामिल करें ताकि जब पैरों को आराम की ज़रूरत हो तो आप इनका यूज़ कर सकें। वहीं तीसरी चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो है आपकी बॉडी पॉस्चर। आपके बैठने और चलने का तरीका और इस दौरान रहने वाला आपका बॉडी पॉस्चर भी आपके घुटनों में दर्द की वजह बन सकता है। अगर आपको अपना पॉस्चर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। ये आपको घुटनों के शुरुआती दर्द से राहत दिलाने वाले एक्सपर्टाइज कराने के साथ ही बॉडी पॉस्चर को सही रखने का तरीका भी बताएंगे। तो जब आपको शुरुआती दिनों में आपके घुटनों में दर्द महसूस हो रहा है, आप तुरंत तभी अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और उनकी सलाह पर ही चलें। और चौथी चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो खुद का ध्यान रखना, क्योंकि लोग खुद अपने प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं और इस बात का पता उनकी डाइट और एक्सरसाइज की रूटीन से चलता है। आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं इस पर आपको गौर करना होगा और सही डाइट फॉलो करनी होगी, और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज, वॉक, योगा अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना होगा ताकि आपको घुटनों की प्रॉब्लम ना हो। पांचवी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है घुटनों का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जी हाँ, कुछ लोग अपने घुटनों का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक्टिव रहना और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी बॉडी को मशीन मत समझिए। इसको मशीन समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बॉडी को आराम की भी ज़रूरत होती है ताकि नई बॉडी सेल्स प्रोड्यूस हो सके और आपको और एनर्जी दे सके ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी से आउटपुट ले सकें। आप ऐसी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा शामिल ना हो जिसमें आपकी मसल्स और जॉइंट्स का ज़्यादा यूज़ होता हो। अगर आपको एक्सरसाइज, वॉक या घर के काम करने के बाद घुटनों में या फिर बॉडी में या फिर जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और हड्डियों के डॉक्टर से जाकर ज़रूर मिलें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी होगी, क्योंकि हर दूसरे इंसान को घुटने या जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, तो आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। फिलहाल पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और चैनल यानी कि NBT लाइफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आप तक पहुँच सके हमारी वीडियो सबसे पहले।